नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक द कंपटीशन में अधिक से अधिक लोग जुड़ जाइए दोस्तों सेशन के साथ आज के इस लाइव सेशन में हम सी एस एफ कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन के एग्जाम के लिए जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि लास्ट फाइव इयर्स के विभिन्न एग्जाम्स के पेपर से लिए गए हैं आपके साथ डिस्कस करेंगे सभी क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपियर होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को आंसर देने के लिए आपको पाँच सेकेंड का समय दिया जाएगा और उसमें आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में मैंसन कर सकते हैं और वीडियो के अंत में आप अपना स्कोर भी हमें शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए दोस्तों ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं यह प्रीवियस ईयर्स के कांस्टेबल ट्रेड्समैन या हेड कांस्टेबल किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं तो इसीलिए हमने इसका एक मिक्सअप तैयार किया है आप लोगों के लिए ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और अधिक से अधिक इस लिंक को शेयर कर दीजिए वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप्स में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन के साथ जुड़ पाए तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आप पाँच सेकेंड आपको समय दिया जाएगा तो आप उसमें क्या कर सकते हैं अपना आंसर या अपना ऑप्शन जो है वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं ठीक है तो सबसे पहला क्वेश्चन है है दोस्तों कथकली मोहिनीअट्टम एंड ओट्टम थुलाल आर द फेमस डांसेस ऑफ तो कथकली मोहिनीअट्टम और ओट्टम थुलाल किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य हैं ठीक है तो एक कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं डांस इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरला वेरी गुड केरला इसका राइट आंसर है तो कथकली मोहिनीअट्टम और ओटुमथलाल ये केरला के डांस हैं अब हम बात करते हैं इंडिया के अंदर टोटल कितने क्लासिकल डांस हैं ठीक है तो टोटल अकॉर्डिंग टू द संगीत नाटक अकेडमी संगीत और नाटक अकादमी के तहत इंडिया के अंदर टोटल आठ क्लासिकल डांसेस हैं ठीक जिनमें है भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करता है कथक उत्तर प्रदेश कथकली केरला और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश मणिपुरी मणिपुर मोहिनीअट्टम केरला उड़ीसी उड़ीसा और सतरिया आसाम तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है अगला प्रश्न लाला लाजपत राय इज ऑल्सो नोन एज तो लाला लाजपत राय को किस नाम से भी जाना जाता है यानी कि उनका उपनाम क्या है तो इसके आंसर ऑप्शन है शेर ए पंजाब पंजाब केसरी बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अब तो आप बताएंगे कि लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता था या है सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा बोथ ए एंड बी ठीक है लाला लाजपत राय का उपनाम क्या था ए पंजाब और पंजाब केसरी इन्हें कहा जाता था ठीक और लाला लाजपत राय ने 19 मई 1894 1894 को लाहौर में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी ठीक है तो इसको ध्यान रखिए कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसने की थी लाला लाजपत राय ने अगला प्रश्न लिक्विड्स ट्रांसमिट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस दिस इज नोन एज जो तरल पदार्थ है वो सभी दिशाओं में समान रूप से दबाव संचरित करते हैं ठीक और तो इस जो रूल है, है ये नियम है, इसके किसका नियम के रूप में जाना जाता है ये रूल किसने दिया था दोस्तों इसका आंसर बताइए तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी पास्कल्स लॉ ठीक है लिक्विड ट्रांसमिट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस ये पास्कल का नियम है ठीक है और जो इसमें बोला गया है कि द प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ फ्लूड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन यानी कि फ्लूड के किसी भी पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो सभी डायरेक्शन में क्या होगा इक्वल होगा ठीक तो इसे पास्कल का लॉ कहा जाता है दोस्तों यहाँ से मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था जो कि एग्जाम में पूछा गया था कि किस खेल के प्लेयर को पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है तो बताएंगे आप कि किस खेल के प्लेयर को पास्कल के नियम का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है तो इसका आंसर क्या होगा स्कूबा डाइविंग जो स्कूबा वाले प्लेयर होते हैं उनको पास्कल के नियम का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए नहीं तो डूब भी सकते हैं ठीक है अगला प्रश्न शेख मुजीबुर रहमान इज अ वेल नोन फ्रीडम फाइटर ऑफ तो शेख मुजीबुर रहमान किस देश के एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी हैं? 2020 में काफ़ी चर्चाओं में है अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों सबसे पहले आप इसका आंसर दीजिए दोस्तों शेख मुजीबुर रहमान किस कंट्री से बिलोंग करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश ठीक है शेख मुजीबर रहमान को बांग्लादेश का संस्थापक कहा जाता है इनको बंग बंधु भी कहा जाता है इनका उपनाम क्या है दोस्तों बंग बंधु ठीक है बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान इनको कहा जाता है दो में काफी चर्चाओं में है क्योंकि यूनेस्को ने इनके नाम पर शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर किसने यूनेस्को ने ध्यान से सुनिएगा दोस्तों एक क्रिएटिव इकोनॉमी के फील्ड में एक इंटरनेशनल प्राइज लॉन्च किया है ठीक है तो शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर क्रिएटिव इकोनॉमी के क्षेत्र में यूनेस्को द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से प्रदान किया जाएगा तो इसीलिए चर्चाओं में है इसीलिए इस क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है आ, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश के फाउंडर थे नेक्स्ट नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों पेनिसिलिन इज वाइडली यूज एज तो पेनिसिलिन का नाम आपने जरूर सुना होगा पेनिसिलिन का व्यापक रूप किसके लिए किया जाता है व्यापक रूप में उपयोग जो है वो किस चीज़ के लिए किया जाता है तो पेनिसिलिन का नाम आपने बहुत सुना होगा और आपने खाई भी होगी पेनिसिलिन तो बताइए इसका आंसर क्या होगा पेनिसिलिन इज वाइडली यूज एज अ एंटीबायोटिक ठीक है जब हमको बीमार हो जाते हैं जब हमारे उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो हम पेनिसिलिन टैबलेट लेते हैं जो कि एक, एक एंटीबायोटिक के रूप में कार्य करती है ठीक और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है दोस्तों किस प्रकार की है ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी कि बहुत सारे बैक्टीरियाज को किल कर सकती है और इसकी खोज किसने की थी इसकी खोज तो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कहीं कहीं पर ऑप्शन में आता है खाली फ्लेमिंग तो किसने की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज वेरी गुड अगला क्वेश्चन है दोस्तों रिक्टर स्केल इज यूज फॉर मेजरिंग तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में किस चीज़ को मापने के लिए हम रिक्टर स्केल का उपयोग करते हैं तो इसका आंसर बताएंगे दोस्तों

भूकंप की तीव्रता इतनी मापी गई ठीक है तो वही ये रिक्टर स्केल है तो ऑप्शन नंबर बीस का राइट right आंसर है वेरी गुड अगला प्रश्न है ऑक्सीजन वॉज इंडिपेंडेंटली डिस्कवर्ड बाई तो ऑक्सीजन को स्वतंत्र रूप से किसके द्वारा खोजा गया था दोस्तों ऑक्सीजन को खोजा नहीं गया था एक्चुअल में ऑक्सीजन पहले से थी लेकिन इसको डिस्कवर इसको लोगों के सामने लाया गया था तो यह काम किसने किया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आ, कमेंट बॉक्स में दीजिए ऑक्सीजन की खोज किसने की थी ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है बताइए दोस्तों सब लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर सी जोसेफ प्रिस्टले ने किसने की थी जोसेफ प्रिस्टले तो प्रिस्टले का नाम याद रखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन की खोज की थी नेक्स्ट अगला प्रश्न अगला प्रश्न है दोस्तों ऑस्कर अवार्ड्स आर कन्फर्ड एनुअली बाई तो ऑस्कर अवार्ड का नाम आपने ज़रूर सुना होगा ऑस्कर अवार्ड द्वारा प्रतिवर्ष ऑस्कर अवार्ड किसके द्वारा दिए जाते हैं कौन सी एकेडमी के द्वारा इसको दिया जाता है या कौन से संगठन के द्वारा इसको दिया जाता है इसका आंसर बताइए ऑस्कर का नाम आपने जरूर सुना होगा सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार होता है दोस्तों ऑस्कर जिसको किसके द्वारा दिया जाता है ऑप्शन नंबर टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में ऑप्शन नंबर ए ठीक है ना ऑप्शन नंबर ए अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस जो कि यूएसए में स्थित है इसके द्वारा ऑस्कर अवार्ड दिए जाते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ए एम पी ए एस कहा जाता है और इनको अकेडमी अवार्ड्स भी कहा जाता है कौन से अवार्ड कहा जाता है अकेडमी अवार्ड्स भी कहा जाता है और दो में पैरासाइट मूवी को ऑस्कर अवार्ड मिला था कौन सी मूवी को मिला था 2020 में पैरासाइट नाम की फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिला था तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस जो कि यूएसए में स्थित है इसके द्वारा ऑस्कर अवार्ड कंफर्ट किए जाते हैं ठीक थोड़ा हिंदी में लिखने में गलत हो गया तो इसके लिए माफ कीजिएगा समझ जाएंगे आप ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है अगला प्रश्न द रेड ट्राइंगल सिंबल्स डिनोट तो रेड ट्राइंगल इस प्रकार का एक सिम्बल होता है वह किस चीज को दर्शाता है तो एक कॉन्स्टेबल लेवल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है तो रेड ट्राइंगल किसको दर्शाता है दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए ऑप्शन नंबर बताइए जल्दी ऑप्शन नंबर बी फैमिली प्लानिंग ठीक है तो रेड ट्रायंगल किसको शो करता है परिवार नियोजन यानी कि फैमिली को रिड्यूस करने में आ, फ, आ, परिवार नियोजन जिसको हिंदी बोलते हैं फैमिली प्लानिंग तो मैं आपको सिंबल दिखाता हूँ कैसा सिंबल अगर जहाँ पर ऐसा सिंबल दिखेगा तो आप समझेंगे किस क्या है फैमिली प्लानिंग और रेड क्रॉस जो होता है ये क्या होता है दोस्तों ये मेडिकल इमरजेंसी ठीक है एम्बुलेंस में आपने देखा होगा इस प्रकार से रेड क्रॉस बना होता है उसे मेडिकल इमरजेंसी और जब जहां पर ये रेड ट्राइंगल बना होगा वो क्या होगा फैमिली प्लानिंग का ठीक तो ये चीजें ध्यान रखिएगा अगला प्रश्न स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स इज नोन एज तो भूकंपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है सब लोग बताएंगे कि जब हम स्टडी ऑफ अर्थक्वेक करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है भूकंपों के अध्ययन को बताइए दोस्तों ऑप्शन बताएंगे बी सीस्मोलॉजी ठीक है स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स इज नोन एज सीस्मोलॉजी अगला प्रश्न द चीफ कॉन्स्टुट ऑफ गोबर गैस जिसको हम बायोगैस भी कहते हैं तो गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या प्रेजेंट होता है तो दोस्तों गोबर गैस में सबसे ज्यादा मात्रा में होता है मीथेन ऑप्शन नंबर बीस का राइट right आंसर है और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है सी एच फोर इसमें फिफ्टी टू एट्टी परसेंट मिथेन होता है दोस्तों और ट्वेंटी टू फिफ्टी परसेंट क्या होता है इसमें ट्वेंटी टू फिफ्टी परसेंट इसमें होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक तो चीफ कॉन्स्टिट ऑफ गोबर गैस अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे ऑप्शन नंबर बी मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला सी एच फोर अगला प्रश्न ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है ये हेड कांस्टेबल लेवल के एग्जाम में भी पूछा गया था और कॉन्स्टेबल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन 2017 या 18 में पूछा गया था एक बार द फर्स्ट मीटिंग ऑफ यूएन जनरल असेंबली वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो पहली बैठक हुई थी वह किस शहर में आयोजित की गई थी तो इसका आंसर आप आ, लोग सब लोग बताएंगे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ पाएँ और लाइक ज़रूर करना दोस्तों जितने लोग देख रहे हो एटलीस्ट उतने लाइक जरूर मिलने चाहिए ठीक तो इसका आंसर बताए दोस्तों कि यूएन जनरल असेंबली की पहली मीटिंग कहाँ आयोजित की गई थी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लंदन में आयोजित की गई थी ठीक बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस की तो यूएन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को कब हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को इसीलिए प्रत्येक वर्ष हम चौतीस चौबीस अक्टूबर को यू डे के रूप में मनाते हैं यू के जो भी सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं एंटीनियो गुटेरेस जो तो यहाँ के सेक्रेटरी जनरल हैं वो कौन है दोस्तों एंटीनियो गुटेरेस और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों न्यूयॉर्क में ठीक टोटल कितने मेंबर हैं इसके 193 देश जो है यूएन के मेंबर हैं और इसके जनरल असेंबली बात बात यहाँ पर किसकी हो रही थी जनरल असेंबली तो 2020 में इसके जनरल असेंबली के नए प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है वोलकन बोगजिर क्या नाम है उनका वोल्कर बोकजीर जो कि तुर्की के हैं तो इतनी एडिशनल इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे तो ये आपके एग्जाम के पर्पस से काफी आपको हेल्प करने वाली है ठीक अगला प्रश्न दोस्तों लॉग टेबल वाज इन्वेंटेड बाय तो लघुगणक तालिकाओं द्वारा किसका आविष्कार किया गया था या लघुगणक तालिकाओं का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था तो दोस्तों आपने लॉग टेबल जरूर पढ़ी होंगी 10th 12th में ठीक है लॉक टेबल अगर आप साइंस बैकग्राउंड से रहे हैं, तो आपने जरूर पढ़ी होंगी लॉक टेबल तो लॉक टेबल का आविष्कार किसने किया था ये बताएंगे आप लोग सब लोग बेसिक सा क्वेश्चन है कोई ज्यादा टफ नहीं है तो लॉक टेबल का आविष्कार किया था किसने जॉन नेपियर ने जॉन नेपियर नाम के एक स्कॉटिश वैज्ञानिक ने 1614 ईस्वी में लॉक रेथिम टेबल का आविष्कार किया गया था हिंदी में इनको कहा जाता है लघुगणक तालिकाएं ठीक अगला है राइट ब्रदर्स आर रिकॉर्डेड इन्वेंटर्स ऑफ द तो राइट ब्रदर्स का नाम आपने जरूर सुना होगा हिंदी में इनको राइट बंधु कहा जाता है इनका नाम था ओलविर राइट और विल्बर राइट तो इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी इनका नाम क्यों फेमस है सब लोग बताएंगे ऑप्शन बैलून बाईसाइकिल एरोप्लेन या नन ऑफ द अब बताइए किस चीज़ की खोज की थी राइट ब्रदर्स ने तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सबसे पहले मोटर एरोप्लेन का आविष्कार किया था तो इसीलिए इनका नाम फेमस है ऑप्शन नंबर सी एरोप्लेन के आविष्कारक थे राइट ब्रदर्स ये आ गया अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्ल्ड वॉर टू वॉज फोर्ट बिटवीन तो द्वितीय विश्व युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था बताएंगे ऑप्शन में से आप ऑप्शन टाइप कर सकते हैं ए बी सी डी में से कोई भी और दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो 1939 से 1945 तक चला था और ये किन किन के बीच में हुआ था ये आप बता रहे हैं वेरी गुड यह हुआ था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दो लोगों के बीच में हुआ था दो पावर्स के बीच में हुआ था पहले तो थी एक्सिस पावर जिसको हम धुरी सकती हैं हिंदी में कहते हैं एक्सिस पावर में थी जर्मनी इटली और जापान और दूसरी तरफ सी अलाइज कंट्रीज जिनको हम मित्र राष्ट्र कहते हैं ब्रिटेन यूएसएसआर यूएसए और फ्रांस ठीक है तो एक्सिस पावर और अलाइज पावर में जो जो कंट्रीज़ हैं उनको याद कर लीजिए और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे कब हुआ था ये 1939 से 1945 तक चला था अगला प्रश्न अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न है जो कि काफी बार एग्जाम में पूछा गया है द फर्स्ट फॉरनर टू रिसीव भारत रत्न तो भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन थे जो इंडिया के नहीं थे उनको भारत रत्न दिया गया आपको पता है कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है तो आप आप लोग आंसर में बताएंगे दोस्तों इसका आंसर क्या है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन के साथ बताएंगे ऑप्शन नंबर ए खान अब्दुल गफ्फार खान खान अब्दुल गफ्फार खान दोस्तों पाकिस्तान के थे और इन्होंने जब इंडिया और पाकिस्तान अनडिवाइडेड थे एक थे तो अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी थी ठीक है और इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है इनका उपनाम क्या है दोस्तों सीमांत गांधी अगर इंग्लिश में बोलो तो फ्रंटियर गांधी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि फ्रंटियर गांधी किसका उपनाम है तो आप बताएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान को तो इनको जो है भारत रत्न दिया गया था और भारत रत्न पाने वाले ये पहले विदेशी थे तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान द ब्रांच ऑफ साइंस दैट सेल्स इज कॉल्ड तो विज्ञान की वह शाखा जो कोशिकाओं का अध्ययन करती है जो हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं उनका स्टडी करती है उसे क्या कहते हैं तो इसका आंसर बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी सेल्स इज कॉल्ड साइटोलॉजी ऑप्शन नंबर ए ठीक है कोशिका विज्ञान या फिर साइटोलॉजी कहा जाता है और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि उतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है उस विज्ञान का नाम बताए जिसमें उतकों या फिर इंग्लिश में बोले तो टिश्यूज का अध्ययन किया जाता है तो उसे कहते हैं दोस्तों हिस्टोलॉजी उसे क्या कहते हैं हिस्टोलॉजी यानी कि टिश्यूज यानी कि उतकों का अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है और कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है ठीक दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी अंत में जरूर मेंशन कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन आपको आते थे ठीक है द एनर्जी ऑफ फूड इज मेजर्ड इन तो जो हम भोजन खाते हैं उससे जो हमको ऊर्जा मिलती है उसको किस में मेजर किया जाता है वो यूनिट का नाम बताइए सब लोग बताएंगे एनर्जी ऑफ फूड इज मेजर्ड इन विस यूनिट तो इसका आंसर क्या है दोस्तों सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैलोरीज ठीक है तो भोजन की ऊर्जा को हम किस में मापते हैं कैलोरीज में मापते हैं हम बोलते हैं ना आज हमने इतनी कैलोरी बर्न कर दी इतनी कैलोरी ले ली तो सीधे है एनर्जी ऑफ फूड अगला है द फाइव परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल तो ये क्वेश्चन आपको जरूर आएगा तो संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसके पांच स्थाई सदस्य हैं परमानेंट मेंबर हैं जिनको कि पी फाइव कहा जाता है ठीक है तो अगर आपसे पूछेंगे कि पी फाइव क्या है तो परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल उनको पी फाइव के नाम से जाना जाता है जिसके अंदर की चाइना फ्रांस रसिया यूएसए यूके और आते हैं ठीक है चाइना फ्रांस रशिया यूएसए और यूके ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है इनके पास वीटो पावर होती है दोस्तों कौन सी पावर होती है वीटो पावर होती है यानी कि अगर कोई भी मत है कोई भी अगर यहाँ पर डिसीजन लेते हैं अगर एक ने वीटो पावर ले ली तो पूरा डिसीजन रद्द माना जाता है ठीक तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चाइना फ्रांस रसिया यूके एंड यूएसए दोस्तों सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल पंद्रह पांच तो परमानेंट होते हैं दस कंट्रीज तो जो है वो नॉन परमानेंट होती हैं जिनको प्रत्येक दो साल के लिए चुना जाता है अभी दो तक भारत भी नॉन परमानेंट का मेंबर है ठीक तो ये बात आप ध्यान रखेंगे उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे क्वेश्चंस को अगला प्रश्न है द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइस्ट तो निम्नलिखित में से किन किरणों की आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है बताइए गामा रेज लाइट वेव्स, माइक्रोवेव्स रेडियो वेव्स या गामा वेव्स इनमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति किसकी होती है सब लोग आंसर देंगे दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है उसके बाद हम सेशन को क्लोज करेंगे तो ऑप्शन नंबर एक गामा रेज ठीक है जो गामा किरणें होती हैं इनकी आवृत्ति जो है सबसे ज्यादा होती है अमंग ऑल तो दोस्तों ये थे कुछ प्रश्न दोस्तों जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ठीक है आपका लाइक हमें मोटिवेशन देता है और कमेंट बॉक्स में अपने कीमती सुझाव भी हमें दे सकते हैं ताकि हम अपने वीडियोस में और इम्प्रूव कर सकें और यहाँ से दो या तीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे अगर आपने सेशन अच्छे से देखा है ध्यान लगा के देखा है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है जीके के और करंट अफेयर्स के सेक्शन में थैंक यू दोस्तों जय हिंद जय भारत गॉड ब्लेस यू ऑल